जो भाई बहन गायत्री मंत्र जानते हैं, बस गायत्री मंत्र के साथ अपनी पारी की शुरुआत कर रहा हूं। जो जानते हैं वो थोड़ी कमर को सीधा करेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे, मेरे साथ बोलिएगा। कई रोज से आप भगवान श्री राम की कथा सुन रहे हैं, यहाँ प्रत्येक दिन गायत्री का जाप होता होगा, मुझे पूरा भरोसा है। तो जो बहन जानती है, जो माताएं बुजुर्ग जानते हैं, वो सब मेरे साथ बोलिएगा। ओ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु मेधा बुद्धि दीजिए, हे प्रभु मेधा बुद्धि दीजिए, हे प्रभु मेधा बुद्धि दीजिए, हे बुद्धि के भंडार, और हम सब मिलकर करत हैं पिता नमस्कार है। इस वैदिक वेदी पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा का श्रवण करा रही बहन अंजलि हारिया जी। और देखिए, इतना बड़ा मंच है और मैं कुछ के नाम जानता हूं, लेकिन सबके नाम में तो बहुत समय लगेगा, इसलिए एक से एक गुणी महान मंचासीन हमारे सन्यासी वृंद मुनिजन, हमारे आज के मुख्य अतिथि, हमारे जिले के प्रथम नागरिक आदरणीय बड़े भाई यादव जी, जो जगवीर जी, जोगिंदर जी, उनके साथ पूरी टीम, और आज के आयोजक भाई केपी सिंह आर्य जी, सामने बैठे हुए धर्म प्रेमी बंधुओं, भारतीय संस्कृति का आभूषण मेरी माताएं, मेरी बहनें, और इस देश के भविष्य के रूप में प्यारे छोटे बच्चे, और कोई रह गया हो तो वो सब मेरे साथ एक बार मुट्ठी बंद करके बोलिए, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। एक नारा और बोलिए, योगेश राज श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। एक प्यारा सा नारा और युग प्रवर्तक देव दयानंद जी महाराज की जय। आदरणीय, मुझे 5 मिनट मिली है, एक आध मिनट गड़बड़ हो सकती है, 5 से 6 मिनट आ गया है। तो पहले तो मैं अपने शब्दों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पिता तुल्य श्री मिजाजीलाल आर्य जी, वो जिन सिद्धांतों को फॉलो करते थे, अगर हम और आप और ये गांव वासी मिलकर के उसी रास्ते पर चलें, तो ये उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। क्योंकि मैं ये कहूँ वो कहीं हो भगवान चरणों में स्थान दे, तो उन्हें तो स्थान मिल गया होगा, जहां भी जो भी जैसा भी उनका कर्म फल था वो मिल गया होगा। इसलिए दूसरी बात रखते हैं, आदरणीय बड़े भाई, आप जिले के प्रथम नागरिक हैं, हमें बड़ी खुशी हुई। महर्षि दयानंद महाभारत काल के बाद इस भूमंडल पर, महाभारत के काल इस भूमंडल, महाभारत काल के बाद इस भूमंडल पर कोई ऋषि पैदा नहीं हुआ। अगर कोई ऋषि पैदा हुआ तो वो एक ही नाम उभर के आता है, वो आता है स्वामी देव दयानंद जी महाराज का। एक सेकंड में गीत हो रहा है। और उनकी विचारधारा से संबंधित देखिए, अपने मैं वैदिक मंच पर जाकर के भी अपना प्रोग्राम देता हूं, और मैंने जीवन में एक लक्ष्य धारण किया है, जितने सत्यार्थ प्रकाश वितरित होंगे इन हाथों से, जब तक मरूंगा तब तक निःशुल्क लोगों को वितरित करूंगा। और दूसरा मेरा लक्ष्य यह है कि जितने लोग समाज की शरण में आ जाए, उतने ज्यादा से ज्यादा लाने का प्रयत्न करूंगा। यह संकल्प जीवन में लेकर के चले हैं जब इस मंच को फॉलो किया। दूसरी बात, कुछ बातों पर स्वामी जी, हमने भी नरेंद्र मोदी जी के गीत गाए हैं, 370 हट्टी हमने गीत गाए, और राम मंदिर बना हमने गीत गाए, लेकिन किसानों के मुद्दे पर तो मैं, आप यकीन मानना, मैंने बिल्कुल उलट लिखा है, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं और महर्षि दयानंद का शिष्य हूं, चौधरी चरण सिंह को अपना लीडर मानता हूं, इसलिए इसके उलट लिखा है। अगर आप शाम को रुक पाए तो मैं और मेरे साथ एक छोटी बहन है मनोज चौधरी, हमने तो
यहाँ तक गीत लिखे हैं, मैं आपके पेट की भरपाई कर दूं। जब ऐलान हुआ था, सरकार से कई रोज की वार्तालाप हो गई, कई दौर की बात नहीं मानी गई, तो मंच से संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा अब हम भी, क्योंकि हमें देशद्रोही कहा गया, ये गलत बात है, हर एक व्यक्ति पे देशद्रोही नहीं चल सकती। और अब बीजेपी वालों ने छोड़ भी दिया है कहना, लज्जा आती है उन लोगों को। देखिए, हम कभी बीजेपी के इसलिए नहीं हो सकते, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी हो जाती है। एक कहावत भी है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, नाम हम आते तो कानों मामा छो, इसलिए कह जाते हैं, नहीं तो वो प्रतिमा पूजक है महर्षि दयानंद पर, और उसका शिष्य कोई प्रतिमा पूजक नहीं हो सकता। वो उस व्यक्ति के मानने वाले हैं जो काली का भजन करता था, जो मांस खाता था, महर्षि दयानंद का व्यक्ति और महर्षि दयानंद का शिष्य कभी उस व्यक्ति को नहीं अपना सकता। और आज आपको मैं जो आर्य समाज की विचारधारा, वो एक गीत मैंने सेलेक्ट किया है कि देश का भला कैसे हो सकता है। मैं खुले मन से कहता हूं और ये 100% सच है, सुनिएगा साहब।